नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में केस मुकदमे में फंसे लोग अक्सर थाने और पुलिस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी तो मैनेज भी कर लेते हैं और ज्यादातर कर ही लेते हैं। लेकिन अब बिहार में पुलिस और पुलिस थाना में आपके सेटिंग गेटिंग का ये खेल खत्म होने वाला है। आपके कहने का हमारा तात्पर्य उन लोगों से है जो केस मुकदमे में लगातार फंसे रहते हैं और पुलिस और थाने के बीच का चक्कर उनका चलता रहता है और पुलिस को या थाना को मैनेज करते हैं डायरी के माध्यम से भी और कुछ तो जेब गरम करके भी। लेकिन अब ये सारा खेल बंद होने वाला है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने अब बड़ा खेला कर दिया है और नए साल में आपको बिहार पुलिस का नया अवतार देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस नए तरीके से काम करती हुई दिखाई दे सकती है और इस बात पर अब यह भी जान लीजिए कि बिहार में थाने और पुलिस का जो चक्कर है वो हमने क्यों कहा था कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में डीजीपी आरएस भट्टी ने कुछ ऐसा खेल कर दिया है कि थाना पुलिस और जांच अधिकारियों को सेट करना अब और मुश्किल हो जाएगा। थाना और थाना से जुड़े पुलिस अधिकारियों के मूवमेंट, सनहा, शिकायत, प्राथमिकी के एंट्री के आधिकारिक दस्तावेज स्टेशन डायरी को बिहार पुलिस ने अब डिजिटल करने की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को पटना से इसकी शुरुआत हो गई और 15 दिसंबर के बाद इसे बिहार के बाकी जिलों में भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, 1 जनवरी से थानों में कागज की स्टेशन डायरी बंद हो जाए और सब कुछ डिजिटल तरीके से दर्ज हो, जिसे एसपी या दूसरे सीनियर अफसर जब चाहें जहां से चाहें देख सके, ये काम भी होने जा रहा है। इतना ही नहीं, डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में कदम उठाते हुए पहले थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया को डिजिटल करने का निर्देश दिया गया था। पहली जनवरी 2024 से पुलिस थाने में भौतिक कॉपी की जगह अब डिजिटल स्टेशन डायरी लिखी जाएगी। अब इसके लिए राज्य के 964 थानों में CCTNS पोर्टल पर ही फॉर्मेट डिजिटली उपलब्ध होगा। राज्य पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अब डीजीपी आरएस भट्टी ने थानेदारों से पूछा कि क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, 5 दिसंबर से डिजिटल स्टेशन डायरी लिखने की शुरुआत हो गई है। राज्य के शेष 37 जिले के थानों में भी 15 दिसंबर से डिजिटल स्टेशन डायरी लिखी जाएगी। अब आरएस भट्टी ने थानेदारों से पूछा है, जैसा कि हमने आपको पहले खबर में बताया, पहले ही वीडियो हमने आपको बताया कि किस प्रकार अपराधियों ने जदयू नेता को गोली मारी है बेतिया में, तो अब इन्हीं वारदातों को बढ़ता हुआ देख बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी एक्शन में आए हैं और थानेदारों से भी उन्होंने सवाल किया है कि आखिर अपराध कम क्यों नहीं हो रहा, अपराध कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, और इसे कंट्रोल करने की दिशा में ही बिहार पुलिस एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रही है और ये कदम भी उसी दिशा में देखा जा रहा है। नए साल पर जब बिहार पुलिस की कार्यशैली जो है डिजिटल हो जाएगी और कई जिलों में शुरुआत, पटना में शुरुआत हो गई है, 15 तारीख के बाद 15 दिसंबर से डिजिटल स्टेशन डायरी जो है वो लिखी जाने लगेगी। जो कागज की डायरी होती है थाने में, वो डायरी अब आपको नहीं दिखेगी या पुलिस को अब उस डायरी में काम नहीं करना होगा, सब कुछ डिजिटल तरीके से होने वाला है। इतना ही नहीं, जिलों के एसपी और अपने किसी भी जिले का जो स्टेशन है वहां जाकर निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, और डिजिटलाइजेशन होती है इस पुलिस महकमे को या पुलिस महकमे के काम को बड़े अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हैं वो जब चाहे जिस तरीके से चाहे देख सकते हैं, वो भी निर्देश जो है जारी किया गया है। अब बिहार के डीजीपी का ये फॉर्मूला कितना काम करता है, आरएस भट्टी ने जो पुलिस को निर्देश दिया है या फिर यूं कहें कि पुलिस महकमे में जो बड़ा बदलाव और अच्छा बदलाव होने जा रहा है, उस बदलाव का नतीजा क्या दिखेगा, वो बदलाव कितना सार्थक होगा, और डिजिटल होने के बाद पुलिस महकमे में जो खबरें आती रहती हैं या फिर डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद जो डायरी डिजिटल बन जाएगी, जो कागज की डायरी हट जाएगी, उसके बाद बिहार में पुलिस थानों में या फिर वर्दी वालों को सेटिंग कर पाना कितना मुश्किल होता है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि बिहार सरकार और बिहार की पुलिस अगर डाल चलती है तो 2 नंबर का काम करने वाले पात चलते हैं और ऐसे में कोई ना कोई तरीका वो ढूंढ निकालते हैं। अब देखना होगा कि बिहार पुलिस के इस कदम के बाद कितना सटीक तरीके से काम हो पाता है और किस प्रकार सेटिंग गेटिंग का ये खेल थानों में रुक पाता है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।